कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देश में लोगों की नौकरियों से लेकर काम धंधों पर ताला लग गया है। यही वजह है कि लोग आर्थिक संकट से भी जूझ रहे हैं। ऐसे में कोरोना या किसी अन्य बीमारी की चपेट में आने वाले लोगों के लिए अपना इलाज कराने के लिए पैसों का इंतजाम करना एक बड़ी चुनौती हो गया है। इसी को देखते हुए केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने अब ईपीएफओ के नियमों में फिर से बदलाव किया है। दरअसल ईपीएफओ ने कोरोना महामारी को देखते हुए दूसरी बार पीएफ से एडवांस पैसा निकालने की सुविधा प्रदान की है। इससे पहले पिछले साल मार्च में ईपीएफओ ने कर्मचारियों को अपने पीएफ से एडवांस पैसा निकालने की सुविधा दी थी। इस बार भी कर्मचारी आसानी से ऑनलाइन तरीके से एडवांस में रकम निकाल सकते हैं। उन्हें एडवांस में ली गई रकम को वापस करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी अहम बात यह कि अगर आपने पिछले साल पीएफ से एडवांस पैसा लिया था और आप इस साल भी एडवांस पैसा लेना चाहते हैं तो आप पैसा निकाल सकते हैं। आपको यह पैसा वापस करने की जरूरत नहीं होगी। ये रकम उनके पीएफ बैलेंस से घटा दी जाएगी। पिछले साल मार्च में ईपीएफओ ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को पीएफ के जरिए एडवांस पैसा देने की योजना शुरू की थी। इसके लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आधिकारिक गजट द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन किया था। दरअसल सरकार ने संशोधन किया कि ईपीएफओ में खाताधारक कर्मचारी अपने पीएफ से 3 महीने के वेतन बेसिक प्लस डीए या खाते में बैलेंस 75% रकम जो कम भी हो एडवांस में निकाल सकते हैं। अगर वो चाहें तो इससे कम पैसा भी एडवांस में निकाल सकते हैं। पिछले साल सरकार की इस योजना से कर्मचारियों को काफी राहत मिली थी। खासकर उन लोगों ने इस योजना का फायदा उठाया था जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम है। इस दौरान ईपीएफओ ने कोरोना के ऐसे 76,31,000 क्लेम के तहत कुल 18,698.15 करोड़ रुपए की रकम जारी की थी। सबसे अहम बात यह है कि यह क्लेम ऑनलाइन होता है जिसके तहत आवेदन मंजूर होने के 3 दिन के भीतर कर्मचारियों के खाते में पैसा सीधे पहुंचता है। इसके अलावा ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को दी जाने वाली जीवन बीमा की रकम बढ़ा दी है। अब यह रकम 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। ईपीएफओ के सभी सब्सक्राइबर एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 के तहत कवर होते हैं। इसके तहत ईपीएफओ अपने खाता धारकों को 7 लाख रुपए तक का बीमा कवर देता है। इसको लेकर श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में 9 सितम्बर 2020 को एक बैठक हुई थी। इस बैठक में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने इस योजना के तहत बीमा राशि बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का फैसला किया था।